Very good morning, children. Hope you all are fine and also ready for today's class. So let's begin our class for today, children. Today in this class, I am going to teach you lesson number 8 from your English literature book. Name of the lesson, The Piano Lessons. Okay, this is given in page number 109 of your book, The Piano Lessons. Okay, now in the first page, the characters of this story are given. कौन कौन है किरदार इस लेसन के अंदर, उन एक्टर्स, उन कैरेक्टर्स के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं. तो लेट स्टार्ट विद बाय सीइंग द कैरेक्टर्स ऑफ दिस लेसन. द पीटरकिन फैमिली, मिस्टर पीटरकिन, मिसेस पीटरकिन, एलिजाबेथ एलिजा, सोलोमन जॉन, अगामेमनॉन, द पोस्टमास्टर्स डॉटर, द लेडी फ्रॉम फिलाडेल्फिया, द पियानो. ठीक है, इतने कैरेक्टर्स के बारे में है ये कंप्लीट लेसन. सो नाउ लेट स्टार्ट द लेसन. टेक आउट पेज नंबर 110. ओके, लेट अस स्टार्ट द लेसन. एलिजाबेथ एलिजा हैड अ प्रेजेंट ऑफ अ पियानो एंड शी वॉज टू टेक लेसन्स ऑफ द पोस्ट मास्टर्स डॉटर. अब क्या होता है, एलिजाबेथ एलिजा जो होती है उनके पास एक प्रेजेंट आता है, एक पियानो का बजाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है पियानो उसका रहता है, और उसको क्या कहा जाता है कि उसको पियानो क्लासेस लेने रहते हैं किसके, पोस्ट मास्टर की बच्ची की. तो वो फिर उसके हिसाब से वो क्लासेस स्टार्ट करती है. दे डिसाइडेड टू हैव द पियानो सेट अक्रॉस द विंडो इन द पार्लर एंड द पोर्टर ब्रॉट इट इन. तो वो लोग क्या करते हैं, अब वो जो नया पियानो आता है तो वो डिसाइड करते हैं कि इसको अब कहाँ पे रखें. तो वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कहाँ पे रखने के लिए, अक्रॉस द विंडो इन द पार्लर. पार्लर यानी कि जो लिविंग रूम है उनकी, जो बैठक, जो कमरा है जहाँ गेस्ट वगैरह बैठते हैं, उस रूम में वो लोग उसको रखने की कोशिश करते हैं विंडो के अक्रॉस में. और फिर जो लेके आते हैं, जो पोर्टर्स होते हैं, वो उसको वहाँ पे लगाते हैं एंड वेंट अवे, वहाँ पे लगा के वो चले जाते हैं पोर्टर्स. आफ्टर दे हैड गॉन द फैमिली ऑल कम इन टू लुक एट द पियानो. दे फाउंड द पोर्टर्स हैड प्लेस्ड इट विद इट्स बैक टर्न टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द रूम स्टैंडिंग क्लोज अगेंस्ट द विंडो. अब उन्होंने क्या देखा, सारी फैमिली आती है, वही नया पियानो आया है उसको देखने के लिए आते हैं. तो जैसे वो लिविंग रूम में आते हैं, जैसे वो पार्लर में आते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि वो जो पोर्टर्स हैं उन्होंने क्या किया है कि जो पियानो है उसको कहाँ पे प्लेस किया है, उसको उसका बैक टर्न करके रखा हुआ है, स्टैंडिंग प्लेस्ड इट विद इट्स बैक टर्न टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द रूम. जो बीचों बीच जो कमरा है उसकी तरफ को फेस करके उस पियानो को रखा गया है, माने जो पियानो का जो बैक है, जो पीछे का हिस्सा है, वो कमरे की तरफ, मिडल ऑफ द कमरे की तरफ फेस करके रखा हुआ है. अब स्टैंडिंग क्लोज अगेंस्ट द विंडो, और विंडो के एकदम नज़दीक में, ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये विंडो के पास में रखा है, और इसका जो बैक है वो कहाँ पे है, वो कमरे की तरफ को है प्लेस करके रखा हुआ है. फ्रंट पोर्शन कमरे की तरफ नहीं है, उसका बैक पोर्शन जो है वो कमरे की तरफ है, और जो फ्रंट पोर्शन है वो विंडो के पास में है. ठीक है, देन अगामेमनॉन प्रपोज दैट दे शुड ओपन द विंडो. अब अगामेमनॉन ने क्या सोचा कि उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि हमको ये विंडो को जो है खोलना चाहिए, खोल के रखना चाहिए. विद सोलोमन जॉन कुड डू विद हिज लॉन्ग हैंड्स. अब फिर वो क्या होता है, वो जो सोलोमन जॉन वहाँ पे रहते वो अपने बड़े, उसकी उनकी हैंड्स थोड़े लंबे होते, तो उन्होंने अपने आर्म से क्या किया, लॉन्ग आर्म से उसको खोल दिया विंडो को. देन एलिजाबेथ एलिजा शुड गो अराउंड अपॉन द वरांडा एंड प्ले द पियानो. अब क्या होता है कि क्योंकि कमरे की तरफ को उसका बैक है और उसका जो फ्रंट है वो विंडो की तरफ को है, तो क्या होता था, एलिजाबेथ एलिजा को कमरे से जाके बाहर की तरफ से आके विंडो के पास में आके उसको बजाना पड़ रहा था. इट वॉज अ वेरी प्रिटी साइट टू सी एलिजाबेथ एलिजा प्लेइंग ऑन द पियानो
While she sat on the veranda with the honeysuckle vines behind her. अब वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था. जब लिविंग रूम से वो देखते थे तो क्या रहता था, विंडो माने वरांडा में बैठी हुई थी एलिजाबेथ एलिजा और वहाँ से वो पियानो को बजा रही थी और वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उनके पीछे तरफ जो था वो क्या था, जब वो बैठी थी तो उनके पीछे क्या हो रहा था कि हनी सकल वाइन्स, वाइन्स माने जो आप लोग ने देखा होगा बेल, बेल कैसे होते हैं, फूलों के बेल है, वाइन्स होते, वो कैसे रहते हैं, वो ऊपर से लटके हुए रहते हैं, तो वो ऐसे बेल, फूलों के बेल ये सब क्या होते हैं, वो उनके पीछे से नीचे लटक रहे थे. तो वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था लिविंग रूम से जब उस तरफ को देख रहे थे. इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट ड्यूरिंग मूनलाइट इवनिंग्स. मिस्टर पीटरकिन लाइक टू स्लीप ऑन द सोफा इन द रूम. अब क्या होता था जब मूनलाइट माने मूनलाइट की उसमें वो क्या करते थे, जब शाम होती थी तब क्या होता था कि वो पीटरकिन जो है वो पसंद करते थे उनके सोफा में वो थोड़ी देर स्लीप करना उनको अच्छा लगता था क्योंकि चांद की जो रोशनी है उसमें उनको अच्छा लगता था. द रेस्ट ऑफ द फैमिली लाइक टू सीट ऑन द वरांडा. और जितने भी लोग घर के अंदर दूसरे लोग थे उनको सबको क्या पसंद आता था कि वो बाहर वरांडा में बैठना उनको अच्छा लगता था, जबकि पीटरकिन को क्या पसंद था कि सोफे में वो सोना पसंद करते थे वो चांद की रोशनी में. ओनली पुअर एलिजाबेथ एलिजा हैड हर बैक टू द मून. और सब लोग वो चांद की रोशनी को देखते थे. अब वो चंद्रमा की जो किरणें उसको देखना पसंद करते थे, रात के टाइम अच्छा लगता है ना. अब वो सब तो उसका आनंद ले रहे थे पर एलिजाबेथ एलिजा नहीं आनंद ले पा रहे थे क्योंकि वो तो टर्न करके बैठी थी तो उनका बैक था मून की तरफ. ऑल दिस डिड वेरी वेल थ्रू द समर बट व्हेन द फॉल केम मिस्टर पीटरकिन थॉट द एयर वॉज टू कोल्ड फ्रॉम द ओपन विंडो एंड द फैमिली डिड नॉट वॉन्ट टू सिट आउट ऑन द वरांडा. ये ऐसा माहौल जो था वो जब तक समर था जब तक गर्मी थी तब तक अच्छा लग रहा था. जैसे ही ठंड पड़ गई जैसे ही मौसम में बदलाव आया विंटर आ गया तो जैसे कोल्ड होने लगी तो क्या हो गया, अब ओपन डोर्स विंडोज करते थे तो क्या होता था ठंडी हवा अंदर आती थी तो कोई भी फैमिली ना वरांडा में बैठना पसंद करता था. इवन पीटर की जो उनको भी ठंडी हवा के कारण वो भी वहाँ सोफे में अच्छे से सो नहीं पाते हैं. एलिजाबेथ एलिजा प्रैक्टिस्ड इन द मॉर्निंग विथ हर क्लॉक ऑन. अब वो क्या होता था कि एलिजाबेथ एलिजा जो है वो भी अपना प्रैक्टिस कब करने लगी, वो भी सुबह करने लगी क्योंकि रात के टाइम वो विंडो ओपन करके वो बैठ नहीं सकते थे. इसीलिए विथ हर क्लॉक ऑन, क्लॉक मतलब लंबी सी जो कोट होती है जो ठंड में पहना जाता है वो पहन के वो बैठ के अपना मॉर्निंग में प्रैक्टिस करती थी पियानो की. However, she was obliged to give up her music in the evening. The family shivered so. अब वो क्या था, शाम की जो प्रैक्टिस है वो उन्होंने छोड़ दी थी. क्यों छोड़ दी थी, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ठंडा था और खिड़की खोलने से अंदर बैठे सभी लोग शिवर करने लगते थे इसीलिए. One day when she was talking with the lady from Philadelphia, she spoke of this trouble. अब क्या होता है, एक दिन एलिजाबेथ जब बैठी रहती है और बात करती रहती है, वो जो लेडी जो फिलाडेल्फिया से आई थी उनसे बात करती रहती है और वो ये परेशानी बताती है कि शाम को मैं क्लासेस नहीं ले पाती हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ठंडी हवा आती है और विंडो में ओपन नहीं करती. ये सारी बात जब उन्होंने उस फिलाडेल्फिया वाली लेडी से बात करी तो क्या होता है, द लेडी फ्रॉम फिलाडेल्फिया लुक्ड सरप्राइज एंड then said, but why don't you turn the piano around, piano round. अब वो क्या होता है, जब ये सारी बात एलिजाबेथ वो लेडी फ्रॉम फिलाडेल्फिया से करती है तो जो लेडी फ्रॉम फिलाडेल्फिया वो सरप्राइज होती है, चौंकती है, चौंकते हुए कहती है कि तो तुम इसमें क्या बात है, तुम फिर उस पियानो को टर्न क्यों नहीं करते थे, मैंने अभी विंडो की तरफ को है उसका फेस तो वो क्यों ना आप टर्न कर देते हो. एलिजाबेथ एलिजा वेंट होम डायरेक्टली एंड विद द हेल्प ऑफ अगमेमनॉन एंड सोलोमन जॉन टर्न द पियानो राउंड. अब क्या होता है, फिर वो तुरंत ही उनकी बात सुन के, लेडी फ्रॉम फिलाडेल्फिया की बात सुन के एलिजाबेथ एलिजा क्या करती है, अंदर आती है घर लिविंग रूम के अंदर आती है और वो
अगमेमनॉन और सोलोमन जोन की मदद से क्या करती है, उस पियानो को वो टर्न कर देती है, उस पियानो का जो फेस है वो टर्न कर देती है। Why did we not think that before? said Mrs. Peterkin. अब जब ये टर्न हो जाता है पियानो और पूरा चेंज कर देते हैं, तब वो एकदम से उसको देख के वो मिसेस पीटरकिन क्या कहती है कि ये ऐसा ख्याल हमें पहले क्यों नहीं आया, हमने पहले क्यों नहीं ऐसा सोचा। What shall we do when the lady from Philadelphia goes home again? अब वो फिर क्या कहते हैं कि अब क्या होगा अगर ये जो फिलाडेल्फिया से जो लेडी आई है ये चली जाएगी तो हमारा क्या होगा, क्योंकि क्यों वो चली जाएगी तो फिर इस घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो सजेशन देने के लिए कौन होगा। अब इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने बता दी जो इस फैमिली के किसी भी कैरेक्टर्स ने या किसी भी मेम्बर ने सोचा ही नहीं था, है ना, उसका सॉल्यूशन उन्हें आसानी से निकाल दिया। तो इसीलिए वो फैमिली क्या है एक तरह से वो हो गया था कि अब ये चली जाएगी तो इनको इन फ्यूचर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन के लिए वो क्या करेंगे। तो आई थिंक दिस लेसन इज अंडरस्टूड टू ईच ऑफ यू। सो इन द कमिंग क्लासेस आई विल बी सेंडिंग यू द PDF ऑल्सो एंड द हार्ड वर्ड्स The word meanings and question answers part also will be coming in the PDF. Go through the PDF and complete your work. Okay? And start studying also because maybe there are chances that your exams are going to conduct very soon. Okay? So till we meet next time, it's bye from your ma'am. Take care and be safe.